हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू गंथोलिया। आज क्लास सिक्स के एनसीईआरटी का चैप्टर टू पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। तुषार ट्रेन जर्नी। एक बार तुषार दिल्ली से चेन्नई जा रहा होता है अपनी कज़न की वेडिंग को अटेंड करने के लिए। तब वो ट्रेन में से देखता है कि जो ट्रीज हैं वो उसकी ट्रेन की डायरेक्शन से अपोजिट मूव कर रहे हैं बहुत स्पीड में। तभी उसके अंकल उसकी पीठ पर हाथ लगाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है कि ट्रेन 150 साल पहले चलना स्टार्ट हुई और उसके कुछ ही सालों बाद लोगों ने बसों का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। तो तुषार ये सोचता है कि क्या इससे पहले ट्रेन और बसेस से पहले लोग मूव नहीं किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह, कि क्या वो जहाँ पे पैदा होते थे वहीं पे पूरी ज़िंदगी भर रहते थे, क्या ऐसा है? आइए देखते हैं। द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। जो अर्लीस्ट पीपल हैं, क्यों वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे? तो हमको जैसे कि मालूम है कि जो 20 लाख साल पहले जो लोग यहाँ पे आके अर्थ पे रहना स्टार्ट किया था जिन लोगों ने, उन्हें हम कहते हैं हंटर गैदर्स। हम उन्हें हंटर गैदर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो छोटे एनिमल्स और मीडियम साइज एनिमल्स को हंट करते थे और अपना खाना गैदर करते थे। अभी उनने खाना ग्रो करना स्टार्ट नहीं किया था, उनने वो सिर्फ खाना गैदर करते थे। वो फिश, बर्ड और गैदर करते थे फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स और एग्स। इस तरह की उनके पास बहुत सारी वैरायटी हो जाती थी प्लांट की, जो कि उन्हें ट्रॉपिकल लैंड से मिलती थी, जिसकी वजह से खाना गैदर करना आसान तो हो जाता था, पर उनके लिए खाना गैदर करना उतना ही इम्पोर्टेंट था। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते थे, हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए एनिमल्स और फिशेस को और बर्ड्स को कैच करना, हंट करना के लिए इंसानों को अलर्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उन्हें बहुत ज़्यादा क्विक होना पड़ता था और उनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए थी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब उन्हें इंटेलिजेंट भी होना पड़ता था, क्योंकि उन्हें ये पता करना पड़ता था कि कौन से प्लांट को के कौन से पार्ट को उन्हें खाना है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते थे उस समय जो पॉइजनस होते थे। यहाँ तक कि उन्हें यह भी पता करना पड़ता था कि फ्रूट्स कौन से सीज़न में पकते हैं और कौन से प्लांट के कौन से फ्रूट कौन से सीज़न में पकते हैं। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत थी। यहाँ पर तकरीबन 4 ऐसे रीज़न बताए गए हैं जिसकी वजह से हंटर गैदरर्स मूव किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह। पहला रीज़न ये है कि अगर वो एक जगह पे ज़्यादा देर तक रहते थे तो वो सारे एनिमल्स और प्लांट्स को खा लेते थे, जिसकी वजह से उन्हें दूसरी जगह पे मूव करना पड़ता था, क्योंकि एक जगह के जो प्लांट और एनिमल प्रोड्यूस है वो ख़त्म हो जाता था। दूसरा रीज़न है कि जो कुछ कुछ जो एनिमल्स होते थे वो मूव करते थे, इसलिए उनको हंट करते समय दूसरे जो हम ह्यूमन होते थे उन्हें भी मूव करना पड़ता था। तीसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हमें सीजन्स को का पता लगाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था, कि किस जगह पे कब विंटर है तो उस तरह के प्लांट उस समय उगते थे, और कब समर है तो उस समर में दूसरे तरह के प्लांट उगते थे। तो सीजन्स का पता लगाने के लिए हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। चौथा सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें पानी, प्लांट, बर्ड, एनिमल्स और हमें चारों को ही पानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए हमें वाटर बॉडीज़ और वाटर सोर्सेस को का पता लगाने के लिए और उसके पास रहने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। और पांचवा रीज़न ये है कि लोग अपने रिलेटिव्स से और अपने फ्रेंड्स से मिलने जाया करते थे। अब हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हमें इन लोगों के बारे में, हंटर गैदरर्स के बारे में कैसे पता चलता है? आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ चीज़ों का पता लगाया है जो इन हंटर गैदरर्स ने या तो बनाई थी या फिर वो यूज़ किया करते थे, जो ये ज़्यादातर टूल्स यूज़ किया करते थे जो कि बने होते थे स्टोन्स से, बोन्स से, वुड से, पर आमतौर पे जो टूल्स स्टोन से बने होते थे वो काफ़ी दिनों तक सर्वाइव कर जाते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ तरह के स्टोन टूल्स दिखेंगे, जिसमें ए कैटेगरी में वो स्टोन टूल्स हैं जो सबसे पहले बनाए गए थे, बी
में वो स्टोन टूल्स हैं जो कुछ हज़ार साल पहले बनाए गए थे, सी में वो हैं जो काफ़ी बी के काफ़ी समय बाद बनाए गए थे, और डी में वो स्टोन टूल्स हैं जो 10,000 साल पहले से बनना स्टार्ट हुए थे, और ई नेचुरल पेबल्स हैं। पेबल्स वो स्टोन्स होते हैं जो कि किसी भी वाटर बॉडी के हमें नीचे मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक चीज़ इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि ए से लेके डी तक जो स्टोन टूल्स हैं वो बड़े से लेके धीरे धीरे छोटे होते गए। ये क्यों हुआ? ये धीरे धीरे करके जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए हैं उस वजह से हुआ है। कुछ स्टोन टूल्स का इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों की वजह से होता था, जैसे वो मीट को कट करने में काम आते थे, बोन्स को कट करने में काम आते थे, जो पेड़ की छाल होती है उसको कट करने में काम आते थे, जो हाइट्स होते हैं फ्रेंड्स, जो एनिमल स्किन होती है उसको हम हाइट्स कहते हैं, उसको काटने के काम आते थे, फ्रूट्स और रूट्स को चॉप करने के काम आते थे, जो कुछ यूज़ किए जाते थे हैंडल, जो स्टोन टूल्स में कभी कभी हैंडल का भी इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बने होते थे वुड से या बोन से, जो कभी कभी जो स्पीयर बनाए जाते थे, एरो बनाए जाते थे हंटिंग के लिए, वो भी पत्थर के बनाए जाते थे, स्टोन के बनाए जाते थे। कुछ टूल्स यूज़ किए जाते थे वुड को भी चॉप करने के लिए, और वुड कई बार यूज़ की जाती थी जैसे आग की लकड़ी के लिए, और वुड को हट्स मतलब झोपड़ी बनाने के लिए काम में लिया जाता था, और टूल्स बनाने के लिए, जैसे कि हमने देखा इसमें। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दो पिक्चर्स दिख रही होंगी, जिसमें लेफ्ट साइड में डिगिंग ऑफ द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट, इसमें जो ग्राउंड है उसको खोदा जा रहा है जिसकी वजह से जिससे वो प्लांट की वो रूट ले सकें जिसको आराम से खाया जा सके, एडिबल मतलब जिसे आसानी से पचाया जा सके। राइट साइड पे फ्रेंड्स आपको वो क्लोज दिख रहे होंगे जो एनिमल स्किन से बने हुए हैं, तो ये जो टूल आपको दिख रहा है ये सिलाई के तौर पर काम में आता था, उस समय सुई का इन्वेंशन तब तक नहीं हो पाया था, इसलिए एक तरीके से आप इसे प्री मिडिवल या एंशिएंट सुई कह सकते हैं। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, अब ये लोग कैसे पता करते थे कि इन्हें कहाँ रहना है? मैप टू में हम अगर देखेंगे तो जितने भी ये प्लेसेस हैं जो रेड ट्रायंगल से मार्क हैं, जैसे हंसी, कन्नूल केव्स, भीम बेटका, ये जितने भी एरिया आपको दिख रहे हैं यहाँ पे तीन इम्पॉर्टेंट, ये वो एरिया है जिन्हें हंटर आर्कोलॉजिस्ट ने साइट्स कहा है हंटर गैदरर्स के लिए। हंटर गैदरर्स और भी जगह पर रहा करते थे, पर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स ही दिखाई गई हैं। ये जितनी भी साइट्स आपको दिख रही हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर सोर्सेस जैसे कि रिवर और लेक के किनारे पे हैं। जो स्टोन टूल्स जैसे कि हम जानते हैं कि हंटर गैदरर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो जो हंटर गैदरर्स होते थे वो ये चाहते थे कि वो ऐसी जगह पर रहें जहाँ पर उन्हें अच्छी क्वालिटी के स्टोन आसानी से मिलते रहें। जो स्टोन उन्हें आसानी से मिल जाते थे और वो जहाँ रहते थे उनको कहते थे, उस जगह को कहते थे फैक्ट्री साइट्स। अब ये लोग हम उन फैक्ट्री साइट्स को फैक्ट्री साइट कैसे कह सकते हैं? हमें जहाँ पे ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, ब्लॉक स्टोन के बड़े बड़े पत्थर टूल्स और उसके बने हुए कुछ बेकार हिस्से जो कि परफेक्ट नहीं होते, या फिर छोटी छोटी चिप्स मिलते हैं स्टोन वेस्ट के जो साइड पे छोड़ दिए जाते हैं, उससे हमें पता चल सकता है कि यहीं पे स्टोन टूल्स बनते होंगे। फ्रेंड्स जहाँ पे लोग स्टोन टूल्स बनाते भी थे और कुछ समय के लिए ज़्यादा समय तक के लिए रहते थे उसे हम हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कहते थे। फ्रेंड्स साइड में आपको ये नीचे आपको एक स्टोन से बनी हुई जगह दिख रही होगी, फ्रेंड्स इसको कहते हैं भीम बेटका, जो इस वक्त मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर बहुत सारी हैबिटेशन साइट हैं जहाँ पर लोग रहा करते थे, इसमें केव्स हैं, रॉक शेल्टर्स हैं, जो कि इनमें से एक यहाँ पर आपको दिखाया गया है। लोग यहाँ पर नेचुरल केव्स में रहते थे क्योंकि ये उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था बारिश से, गर्मी से और तेज़ हवाओं से। नेचुरल केव्स रॉक शेल्टर हमें मिलते हैं आपके विंध्यास में, डेकन प्लेट्यू में, रॉक शेल्टर हमें आपके नर्मदा वैली के पास भी मिलते हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं
कि लोग यहाँ पर रहना और किन किन कारणों से पसंद करते होंगे। साइट्स का मतलब जान लेते हैं फ्रेंड्स हम। साइट्स वो जगह होती थी जहाँ पे इन चीज़ जैसे टूल्स, स्पॉट्स और बिल्डिंग के अवशेष हमें मिले हैं। ये चीज़ें बनाई जाती थी और कुछ चीज़ें जो बेकार होती थी वो लोग यहीं छोड़ देते थे। कुछ चीज़ें तो हमें सरफेस पे मिल जाती हैं अर्थ के, कुछ अर्थ के अंदर धसी होती हैं जो कि एक्सकेवेट करके निकाली जाती हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। कभी कभी ये पानी के नीचे भी मिलती हैं। हम ऐसी साइट्स के बारे में और भी जानेंगे आने वाले चैप्टर्स में। मेकिंग स्टोन टूल्स, अब स्टोन टूल्स कैसे बनते थे इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट आपको टेक्निक्स बताई गई हैं। पहली है स्टोन ऑन स्टोन। इसमें क्या होता था फ्रेंड्स, एक पत्थर को दूसरे पत्थर से टकराया जाता था। पहला पत्थर जो होता था वो आपका कोर टूल होता था। कोर मतलब जिससे आपका वेपन टूल बनने वाला है। और दूसरा जो स्टोन होता था वो एक हैमर के तौर पे यूज़ किया जाता था। तो जो जिसको कोर स्टोन पे हिट किया जाता था जिससे धीरे धीरे करके जो कोर स्टोन है वो एक टूल की शेप ले ले। यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा ये जो टेक्निक इसमें दिखाई गई है ये स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक है। दूसरी है प्रेशर फ्लेकिंग। ये प्रेशर फ्लेकिंग में क्या होता है कि एक कोर जो स्टोन होता है उसे एक सरफेस पर रखा जाता है और जो हैमर स्टोन जो हमने स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक में देखा था उसको हिट किया जाता है पर उसके बीच में एक बोन या वुड को लगा दिया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम आजकल छेनी हथौड़ा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही किसी वुड के ज़रिए हैमर स्टोन से हिट किया जाता है और कोर जो स्टोन है उसको रिक्वायर्ड शेप दे दी जाती है। फाइंडिंग अबाउट फायर, यहाँ पे हम देखेंगे कि कन्नूल केव जो हमें यहाँ पे दिखती है इस साइड में, यहाँ पे सबसे पहले हमें फायर के ट्रेसेस मिले हैं। यहाँ पे हमें ऐश मिली है। ऐश मतलब कुछ रिमेन जो होता है फायर का, राख जिसे कहते हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग आग से फैमिलियर हो चुके थे। आग बहुत सारे चीज़ों के लिए उस समय भी कारगर थी, जैसे एनिमल्स को डराने के लिए, मीट को पकाने के लिए, लाइट के लिए, एक चेंजिंग एनवायरनमेंट। तकरीबन 12,000 साल पहले एक बहुत ही बड़ा चेंज आया क्लाइमेट में, पूरे वर्ल्ड में, कि क्लाइमेट थोड़ा सा वार्म होने लगा। इससे क्या हुआ कि ग्रासलैंड डेवलप हुए, घास के मैदान। इसकी वजह से जो स्पेशीज हैं जैसे डियर, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल, इनकी नंबर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ और ये वो एनिमल्स थे जो ग्रास पर सर्वाइव करते हैं। तो जो हंट करते थे इन एनिमल्स को, अब इनने उन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। उनकी फूड हैबिट्स देखने लगे, उनके ब्रीडिंग सीजन कब वो ब्रीड करते हैं उनके बारे में जानने लगे। तो अब लोगों को समझ में आने लगा कि इनको पाला भी जा सकता है, इनको रेयर भी किया जा सकता है। इसी तरह फिशिंग जो है, मछली पकड़ना एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गया लोगों का। इसके बाद लोगों ने बहुत सारे ग्रेन बियरिंग ग्रासेस के बारे में भी जाना, जैसे कि आपका गेहूं, बारले, चावल। उन्होंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा जगहों पे अलग अलग तरीके से अपने आप ही नेचुरली उग रहा है। तो जो आदमी और चिल्ड्रंस ने इसे कलेक्ट करना स्टार्ट किया, फिर उन्होंने देखा कि इसको कैसे उगाया जा सकता है, कब कौन सा सीज़न में ये पकते हैं, और धीरे धीरे करके इन्हें उगाना स्टार्ट किया। फ्रेंड्स अभी ये जो ब्लू बॉक्स आ रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे बहुत ही अच्छी से समझें। आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत ही लेंथी नेम्स दिए गए हैं उन पीरियड्स को जो हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, अर्ली हिस्ट्री को, एंशिएंट हिस्ट्री को जो डिवाइड करते हैं। पहला है पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक ये दो वर्ड से मिलके बना है, जिसका पहला वर्ड होता है पैलियो। पैलियो जिसका मतलब होता है ओल्ड, और लिथोस इसका मतलब होता है स्टोन, मतलब ओल्ड स्टोन एज। पैलियोलिथिक एज को दो मतलब
खास करके तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, लोअर पैलियोलिथिक एज। इसमें क्या है, सॉरी एब्सेंट लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। ये जो पैलियोलिथिक एज है ये ह्यूमन हिस्ट्री का 99% कवर करती है, तो इससे पता चलता है कि कितने इम्पॉर्टेंट है ये एज। इसके बाद कुछ इन्वायरमेंटल चेंज होने लगे 12,000 साल पहले और तकरीबन 12,000 से 10,000 साल पहले के बीच का जो एज आती है उसको हम कहते हैं मेसोलिथिक एज, इसको हम मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। जो यहाँ पर स्टोन टूल्स बनते हैं वो काफ़ी पैलियोलिथिक एज के कंपेरिजन में काफ़ी छोटे बनने लगे थे, जिन्हें हम माइक्रोलिथ्स भी कहते हैं। माइक्रोलिथ्स जो स्टोन टूल्स होते थे वो उनमें हैंडल होता था, वो हैंडल किससे बनता था, जो हमने जैसे कि देखा कि हैंडल बनता था वुड और स्टोन, वुड और बोन से। यहाँ पे हमें कुछ ऐसे स्टोन जैसे सॉज और सिकल्स भी देखने को मिलते हैं, और पुराने वैरायटी के जो वेपन्स थे वो भी और टूल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद एक और नई चीज आती है जिसको हम कहते हैं 10,000 साल पहले जो स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं न्योलिथिक एज। न्योलिथिक एज का मतलब होता है न्यू स्टोन एज। इसके बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। हमने कुछ एरियाज़ के नाम मेंशन यहाँ पर किए हैं क्योंकि हमने उन एरियाज़ का नाम प्रेजेंट फॉर्म में लिया है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि उस समय के लोग उन एरियाज़ को किस नाम से पुकारा करते थे। रॉक पेंटिंग्स और वो हमें क्या बताती हैं। बहुत सारे केव्स में हमने देखा है कि अर्ली पीपल जो हैं उन्होंने पेंटिंग्स की हुई हैं वॉल्स पे। कुछ बेस्ट एग्जांपल हमें इसके मिल जाते हैं मध्य प्रदेश में और साउदर्न उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दोस्तों आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल पूरे इंडिया का जो मिलेगा वो है भीमबेटका केव्स। जो ये पेंटिंग्स में आपको वाइल्ड एनिमल्स मिलेंगे और इन्हें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली बनाया गया है, बहुत ही स्किल्स के साथ बनाया गया है। साइड में आपको एक छोटी सी पिक्चर भी देखने को मिल रही है। इसमें ये रॉक शेल्टर्स में बनी हुई है, इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि एक डियर शेप एनिमल है जिसका एक आदमी शिकार कर रहा है। हु डिड वॉट, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर क्या कैसे होता था, कौन क्या करता था। हमने देखा है कि जो शुरुआती लोग होते थे वो हंट करते थे, गैदर करते थे प्लांट प्रोड्यूस को, स्टोन टूल्स बनाते थे, पेंट करते थे केप वॉल्स को। पर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम पता लगा सकें कि औरत क्या काम करती थी, आदमी क्या काम करते थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वुमेंस हंट करती हों या वुमेंस पेंट करती हों। पर एटलीस्ट दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो आदमी औरत दोनों मिलके शिकार करते थे और सारे काम एक साथ करते थे, या फिर कुछ डिवीजन ऑफ लेबर था कि ये काम स्पेसिफाइड है वुमेन के लिए, ये काम स्पेसिफाइड है मेंस के लिए ओनली। अब पूरे सब कंटिनेंट में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग प्रैक्टिसेस भी हो सकती हैं। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ रहा है इसमें, ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है ऑस्ट्रिजिस इन इंडिया। इंडिया में भी ऑस्ट्रिज हुआ करती थी, ऑस्ट्रिज इंडिया में पाई जाती थी पैलियोलिथिक एज के टाइम पे। बहुत सारे नंबर्स में हमें ऑस्ट्रिज एग मिले हैं महाराष्ट्र के पटने में। डिज़ाइंस बन गई हैं अब तो इन एग्स पे इनग्रेविंग में, क्योंकि जैसा कि आप सबको मालूम होगा जो एग शेल होता है ऑस्ट्रिज का वो काफ़ी मोटा होता है, इससे इसमें ब्यूटीफुल इंग्रेविंग्स करना बहुत आसान होता है। पर इससे पता चलता है कि कभी पैलियोलिथिक एज के टाइम पे भी ऑस्ट्रिजेस इंडिया में रही थी, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है इंडिया की एंशियंट बायोडाइवर्सिटी के लिए। एक क्लोजर लुक हम देते हैं, एक साइट है हंक्सी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये रेड कलर में, ये शुरुआती पैलियोलिथिक साइट्स हैं। यहाँ पे कुछ साइट्स पे हमें बहुत ज़्यादा नंबर में टूल्स मिलते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं जो कि हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स की ओर इशारा करती हैं। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब लोग टूल्स बनाते थे तो उन्हें काफ़ी समय तक
एक ही जगह पे रहना पड़ता था, तो वो वहीं टूल्स भी बनाते थे और वहीं रहते थे। तो अंगसी एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग रहते भी थे और टूल्स भी बनाते थे, इसीलिए इसे हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स भी कहा गया है। और भी बहुत सारी छोटी साइट्स मिली हैं इससे, ये वो एविडेंस सजेस्ट करता है कि कैसे टूल्स बनते थे। और बहुत सारी साइट्स ऐसी भी हैं जो स्पिंक्स के करीब हैं। ज़्यादातर जितने भी टूल्स बनते थे वो, जैसा कि हम जानते हैं कि स्टोन से बनते थे, पर स्टोन में भी एक स्पेसिफिक स्टोन है जिससे ज़्यादातर सारे स्टोन टूल्स बने हैं, उसको हम कहते हैं लाइमस्टोन, जो कि वहाँ पे बहुत ही लोकली अवेलेबल था। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आ रही है इसमें, एल्सवेयर। एल्सवेयर में ये जो नीचे आपको पिक्चर दिया गया है, ये एक फ्रांस के एक केव की है जिसे चार स्कूल स्टूडेंट ने ढूंढा था तकरीबन 100 साल पहले। ये पेंटिंग्स कम से कम 20,000 से 10,000 साल पहले की हैं। इसमें एनिमल्स हैं जैसे वाइल्ड हॉर्सेस, ओरच, बाइसन, वूली राइनोसोरस, रेंडियर, बियर, और ये बहुत ही ब्राइट कलर में बनाई गई हैं। ये जो कलर यूज़ किए जाते थे वो ओर से यूज़ किए जाते थे, जैसे आयरन ओर, चारकोल। ये भी पॉसिबल है कि जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी ये किसी सेरेमनी ओकेजन, किसी खास ओकेजन के लिए बनाई जाती होंगी, या फिर ये किसी रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती थी, या हंटर यूज़ करते थे इन्हें जब वो किसी भी शिकार के लिए जाते थे। वो शायद ये मानते थे कि अगर हम कोई पेंटिंग किसी एनिमल की बनाएंगे तो इसको हंट करना हमारे लिए आसान होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपसे, जो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि और कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं इन पेंटिंग्स को बनाने के पीछे। तो फ्रेंड्स अब बात आती है हमारे वोकैब प्लस की। इमेंस, इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा और या फिर ग्रेट। स्टॉक्स का मतलब होता है एक बड़ी स्टेम, जो मेन स्टेम होती है प्लांट की। एडिबल का मतलब मैंने आपको बताया था, गुड, अच्छा और सेफ खाने के लिए जो चीज़ होती है उसको हम एडिबल कहते हैं। रैपन, जो पक जाता है, रेडी टू बी पिक्ड एंड ईट, जिसे हम आसानी से खा सकते हैं। प्रे वो जानवर होता है जिसका शिकार किया जाता है। परेनियल सोर्सेस वो होते हैं जिसमें पूरे साल पानी रहता है। पेबल वो स्टोन्स होते हैं जो हमें वाटर बॉडीज के किनारे या उसके अंदर नेचुरली मिल जाते हैं। स्क्रैप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हटाना उसके किसी भी शार्प चीज़ से, समझे। स्क्रैप अक्सर हम उस चीज़ को करते हैं, जैसे किसी प्लांट की छाल को हम स्क्रैप करते हैं। चॉप, किसी चीज़ को काटना पीसेस में चाकू या किसी और चीज़ से। डिस्कार्ड मतलब कोई चीज़ को बेकार समझ के फेंक देना। फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है वो भी आप हमें दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।